Natasha? Natasha, listen to me. Natasha, Natasha. Hey, come on. इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? And you know what? तुम गुस्से में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो. Trust me. अब तुम प्लीज वापस चलो और अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर लो. प्लीज प्लीज स्वीट हार्ट, प्लीज 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 प्लीज. ओके, दैट्स लाइक माय स्वीट हार्ट. भाभी देखना, सिर्फ दो मिनट में इसका मूड ठीक हो जाएगा, है ना स्वीट हार्ट? क्या? हाँ बुआ जी. अरे तुमने तो मेरी आंखें बिल्कुल सही समय पर खोल दी, वरना ये लड़की नताशा हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती. इसके असलियत जानने के बाद मैं अपने बेटे अक्षर की शादी कभी इसके साथ नहीं होने दूंगी. अरे ये धोखेबाज लड़की के साथ शादी करके अक्षर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी. मुझे तो अक्षर के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए, और वो तो मुझे मिल चुकी है. बाय चांस कौन? तुम कांता, तुम? बाय चांस मैं? हाँ कांता, हाँ. बनोगी ना मेरी बहू? मैं बनूंगी आपकी बहू. हाँ बुआ जी, हाँ. अरे उठो कांता, उठो. कांता उठो. हाँ बुआ जी. दीदी क्या हुआ? कांता मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ. अच्छा, बाय चांस क्या हुआ? नताशा का भांडा फूट गया? नहीं कांता, मैं इस मैगजीन के ऑफिस में गई थी और वहां से पता चला है कि ये लड़की अपनी नताशा नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस है जो किसी प्रोड्यूसर से शादी करके अब यूएस में सेटल हो गई है. बाय चांस इसमें अच्छी खबर क्या है? यही कि नताशा का स्ट्रीट फोटो के साथ कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम बिना कुछ सोचे समझे कुछ कह देती नताशा के बारे में तो बात कितनी बिगड़ जाती. उसकी अक्षर की खुशियों का सवाल था. देखो कांता, अक्षर ने नताशा को चूज करके कोई गलती नहीं की है, और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है. हम सबको उनके लिए खुश होना चाहिए. कांता तुम समझ गई ना मेरी बात को? बाय चांस सब कुछ समझ गई. के पास जाकर अपनी बकबक करने से पहले कांता मुझे मिल गई, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता. वाह नाइस भाई साहब, अच्छी सी वेडिंग रिंग्स दिखाई. ये देखिए मैडम, स्वीटहार्ट तुम अपने लिए रिंग्स पसंद करो, मैं आई जस्ट टेक अ लुक. ओके. ये देखो नताशा, ये तुम्हारे हाथ में बहुत सुंदर लगेगी. हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये सब रिंग्स अलग रख दीजिए, इनसे बाद में चूज कर लेंगे.
वेल, कोई रिंग पसंद आई कि नहीं? भाभी आप ही बताइए ना, आप जिस भी रिंग पर उंगली रख देंगी वो फाइनल हो जाएगी बस। नहीं अक्षर, ये अंगूठी नताशा को पहननी है। नताशा, इनमें से कोई भी रिंग सिलेक्ट करके अक्षर को बता दो। भाभी मैं आपको अपने साथ क्यों लाया हूं? इसीलिए ताकि आप अंगूठियां चूज करने में हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि भाभी योर चॉइस इज द बेस्ट। तो बताइए ना, इनमें से कौन सी अंगूठी नताशा पर अच्छी लगेगी? ये कुछ और अच्छे डिजाइन है मैडम, ये भी आप देखें। कम ऑन भाभी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? पसंद कीजिए ना कोई। ये वाली ना, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे, आपकी चॉइस सबसे अच्छी है। भाई साहब दिस रिंग इज फाइन, दिस इज गुड। नताशा, जब हम लोग तुम्हारे लिए रिंग्स देख रहे थे तब मैंने अक्षर को देखा चुपचाप तुम्हारे लिए एक नेकलेस पैक करवाते हुए। देखना वो तुम्हें सरप्राइज देगा, वो देखो। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। वाओ कितनी सुंदर साड़ियां हैं, है ना बुआ जी? हाँ। एक से एक कलर्स है। नताशा तुम पर ये सारी साड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। भाई वो तो लगेगी, आखिर ये सारी साड़ियां चूज किसने की? अपरा भाभी ने। अब ये बेकार की तारीफ करना छोड़ो और वो बॉक्स निकालो। आप बॉक्स? कौन सा बॉक्स भाभी? अक्षर प्लीज अब ज्यादा मत बनो। हाँ वो सरप्राइज गिफ्ट निकालो जो तुमने छुपके से नताशा के लिए खरीदा है। आपने देख लिया था भाभी, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, आपने उल्टा मुझे ही सरप्राइज दे दिया। एक मिनट भाभी, ये सरप्राइज गिफ्ट में लाया तो था लेकिन नताशा के लिए नहीं, आपके लिए। नहीं नहीं, मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों भाभी, मैं पहली बार तो आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ और बहुत दिल से लाया हूँ भाभी, प्लीज मना मत कीजिए। नताशा तुम समझाओ ना भाभी को। हाँ भाभी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, अक्षर ने आपको इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, मेरा मतलब हम सबको, इसलिए मना मत कीजिए। एक्सक्यूज मी।
अक्षर तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम प्लीज ये नेकलेस नताशा को ही दे दो। भाभी नताशा के लिए तो शॉपिंग में जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन आपके लिए गिफ्ट खरीदने का मौका बार बार कहाँ मिलता है। और वैसे भी भाभी दिल से लाए हुए गिफ्ट ऐसे लौटाते नहीं है, प्लीज ले लीजिए भाभी प्लीज। आप रख लो ना इसे। नहीं मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती, मुझे नताशा से बात करनी होगी। मुझे पता है तुम्हारी ये हरकत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। भाभी भाभी प्लीज भाभी मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं यहाँ पे अक्षर के भरोसे आई थी, आप लोगों के साथ कुछ समय बिताकर अक्षर को अच्छी तरीके से समझ पाऊंगी, मुझे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो तो मुझे यहाँ पे लाके भूल ही गया है। He's totally ignoring me. नताशा प्लीज अक्षर से ऐसी बात बात पर नाराज मत हो, तुम तो जानती हो उसे अपनी फैमिली से हम सबसे कितना लगाव है। मैं मानती हूँ उसे तुम्हारी तरफ और ध्यान देना चाहिए। आज उसने दुकान में जो कुछ भी किया है वो बात बात पर मुझसे सलाह लेना और फिर अचानक से मेरे लिए वो नेकलेस खरीद लेना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने उसे उसकी इस हरकत के लिए टोका भी है, पर क्या करें नताशा, अक्षर का दिल है ही ऐसा, सबकी सोचता है, सबसे प्यार करता है, और तुमसे तो सबसे ज्यादा। नताशा मैं जानती हूँ उसने तुम्हें जानबूझकर दुख पहुंचाने की कोशिश कभी भी नहीं की है, और फिर अब तो तुम्हारा हक उस पर सबसे ज्यादा है। हक? मेरा तो किसी चीज पे भी हक नहीं है, ना इस घर पे ना अक्षर पे, और जिस घर में मुझे बात बात पे अपना हक जताने की जरूरत पड़े मैं उस घर में रहना ही नहीं चाहती। और वैसे भी उसके पास हर किसी के लिए वक्त है, एक सिर्फ मैं ही उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। He is a changed man. नताशा नहीं भाभी मैं ठीक कह रही हूँ, अक्षर को सिर्फ आपकी और आपके बच्चों की परवाह है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए वो इस बारे में सोचता ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से लेकिन इस घर में रह के आपका देवर और आपके बच्चों का चाचू मेरा पति कभी नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही हूं और अगर मैं शादी कर रही हूं तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा पति मेरे साथ रहे। मैं इस बारे में अक्षर को समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, तुम फिक्र मत करो। नहीं भाभी इस प्रॉब्लम का सलूशन समझाने से नहीं निकलेगा। आई हैव डिसाइडेड अगर अक्षर को मुझसे शादी करनी है तो उसे मेरे साथ कहीं और रहना होगा। इस घर में रहकर मैं अपनी मैरिड लाइफ को बिखरते हुए नहीं देख सकती। ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं बुआ जी से बात करूंगी, उन्हें मना लूंगी। अब तुम अपसेट होकर अपना मूड खराब मत करो। बाय चांस क्या वो दोनों अलग रहेंगे घर छोड़कर? देखा बुआ जी मैंने कहा था ना ये लड़की नताशा हमारे घर को बिखेर के रख देगी, हमारे अक्षर को हमसे अलग कर देगी। हाँ
उन दोनों को लेकर मैंने तुम्हारी आज तक हर बात मानी अपरा, लेकिन इस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं हो सकती। वो आज की आई हुई लड़की मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की बात कर रही है। धीरे धीरे वो सारे रिश्ते तोड़ने की बात करेगी, और वैसे भी मेरे मन में इस रिश्ते को लेकर पहले दिन से ही सवाल थे। और वो हर बात तुम पर आकर क्यों थोपती है? सीधे आकर मुझसे क्यों नहीं बात करती? हाँ दीदी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आज तक हम नताशा की हर बात पर झुकते आ रहे हैं, उसकी हर बात मानते आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला, ये ठीक नहीं है दीदी। बुआ जी, मैं जानती हूँ आपको बहुत सी बातों को लेकर अपना मन मारकर हामी भरनी पड़ी है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इस वक्त हमें अपनी नहीं उनकी खुशी के बारे में सोचना है। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। अगर हम हर बात पर उसे टोकते रहेंगे तो फिर रिश्ते अपने आप बिखर जाएंगे। बुआ जी प्लीज, नताशा जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। अगर नताशा खुश रहेगी तो अक्षर भी खुश रहेगा, और फिर अगर हम सब में आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर डर किस बात का? अक्षर इस घर से दूर जा रहा है, हमसे तो नहीं? नहीं अपरा, ये बात मेरे गले कभी नहीं उतरेगी। बुआ जी, रोका हो चुका है, अब इतनी सी बात के लिए शादी मत टूटने दीजिए। इतनी सी बात? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात हो गई अपरा? आज तुम ये बात मुझे समझा रही, लेकिन कल अगर तुम्हारे बच्चों ने तुमसे अलग होने की बात कही तो क्या कर लोगी तुम? बर्दाश्त कर पाओगी ये सब? हाँ कर लूंगी। अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश रहेंगे तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होने दो। उनकी लड़ाई तो हमसे है ना, तो वो अक्षर चाचू को क्यों ले जाना चाहती है? वो हमसे बदला ले रही है ना, वो बहुत ज्यादा बुरी है। हाँ छोटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारी छोटी सी गलती का इतना बड़ा बदला लेंगी। जब अक्षर चाचू हमें छोड़कर चले जाएंगे तब मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आएगी। तो कितने ज्यादा अच्छे और हमसे कितना ज्यादा प्यार भी करते हैं। भैया, उन्हें जाने से रोक नहीं सकते। हाँ, जाना है तो नताशा आंटी जाए ना, अक्षर चाचू यही रहेंगे। मगर कैसे? आइडिया, बेचारी अपराधी थी, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि अक्षर नताशा के साथ ये घर छोड़कर चला जाए, पर आपके प्यारे बच्चे, अपने प्यारे अक्षर चाचू को हर किस नहीं जाने देंगे।